नमस्कार, मैं अपूर्वा वर्मा हूँ समाजवादी पार्टी से। आप पार्षद चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं मैडम? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई वर्षों से यहाँ नगर निकाय में जो भी क्षेत्र हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। मोहल्लों में गंदगियाँ पड़ी हुई हैं, रोड जाम है, रोड सड़क गंदगी है, रोड टूटी हुई है, पार्क में बिल्कुल विकास नहीं है, बच्चे खेल नहीं पा रहे, पानी की नाली की इतनी समस्या है कि लोग रोज़ रोज़ उनसे जूझ रहे हैं और अपनी समस्या नहीं बता पा रहे हैं। इस वार्ड से इससे पहले कौन पार्षद था, किस पार्टी से था? भाजपा के पार्षद थे कैलाश यादव जी, पर उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। क्षेत्र की जो जनता है वो बहुत ही ज्यादा नाराज है उनसे। मुख्य रूप से मैडम क्या समस्याएं हैं यहाँ पे जो आपको दिखती हैं, प्राथमिकता के आधार पे जो बड़ी समस्याएं के रूप में आपके वार्ड में क्या है, यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ विकास के नाम पे? देखिये, सबसे पहले तो जो एक बेसिक चीज होती है कूड़े वाले, ना तो यहाँ पे कोई कूड़े वाले आते, कूड़े रोड पे पड़े रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जो पार्क है उसमें भी कई दिनों से कूड़ा लगा हुआ है, तालाब गंदे हैं, गाँव में कूड़े वाले कूड़े नहीं ले जाते, रोड टूटी हुई है, बिजली भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस क्षेत्र में विकास में आप देखा जाए तो विकास के नाम से ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैडम, आप जनसंपर्क कर रही हैं, आपके साथ जो है लोग भी हैं जो है जी, जनता से क्या अपील कर रही हैं, इस वार्ड वासियों से क्या अपील कर रही हैं? देखिए, मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो भी जानकीपुरम द्वितीय के क्षेत्रवासी हैं वार्ड संख्या 58 के, आप सभी से मेरे ये हार्दिक अनुरोध है कि इस बार युवाओं को मौका दीजिए जो काम करने वाले हैं। मैं 21 साल की हूँ, बहुत मेहनती हूँ, संघर्ष करके आगे बढ़ रही हूँ, युवाओं को मौका दिया जो जोशीले हैं। समाज सेवा को आपका क्या अनुभव, समाज सेवा कितने दिन से कर रही हैं? मैं पिछले 6-7 सालों से समाज सेवा कर रही हूं और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र नेता भी रही हूं, समाजवादी पार्टी छात्र सभा में भी बहुत दिन से एक्टिव हूं और मैं समाज के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी दिनों से लंबी लड़ाई लड़ रही हूं और आज वो समय है कि आपको दिखाना होगा कि भाजपा ने जितनी भी कठिन परिस्थितियों में लोगों को रखा है, जो खून के आंसू रुलाए हैं, उसमें समय आ गया है युवाओं का, अब देश को बदलने। क्या ये माना जाए मैडम आपकी इस वार्ड से जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का मेरा आशीर्वाद है, आप सभी को आशीर्वाद लगेगा और आप लोग प्लीज एक ऐसे युवा प्रत्याशी को जिताइए जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहे, आपके लिए हमेशा आपके लिए आए, आपको उसके पास ना जाना चाहे, वो आपको उसके पास जाए।